अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सख्त बात के साथ मैं हूं आपका होस्ट एहतिशाम अख्तर। जो आज शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर परवेज़ हुदबाई की, जिनका शुमार पाकिस्तान के बड़े थिंक टैंक्स में किया जाता है और एक मारूफ दानिशवर हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग आउट योर प्रेशियस टाइम आउट ऑफ योर बिजी स्केड्यूल। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आपने इतने कम वक्त में हमारे लिए वक्त निकाला। सर, बढ़ते चलते हैं इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसे मीडिया के ऊपर से एक तरीके से वाइप आउट ही किया गया है, मंजूर पश्तीन का इशू जो चल रहा है। सर, क्या आपको लगता है कि एक ऐसा आदमी एक ऐसी तहरीक चला रहा है जिसका नारा ही एक ऐसी चीज के ऊपर है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, वो ऐसा नारा लगा रहे हैं जो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जिस पे हमारी कौम मुत्तहिद है वो पाकिस्तान की अफवाज है, क्या ये एक नारा आपको नहीं लगता कि एक अवाम के अंदर जो पाकिस्तानी अफवाज का एक यूनाइटेड सेंटिमेंट जो हमें वो इकट्ठा करती है इसको खत्म करता है, और मीडिया का इसको ना दिखाना एक बेहतरी है? आप इसको किस एंगल से देखते हैं? मैंने जो समझा है, जो पख्तून स्टूडेंट्स हैं लाहौर में इस्लामाबाद में, उनसे जो मेरी गुफ्तगू हुई है उससे मैंने ये जाना है कि ये नारा मुतनाज़िया है, कि अगरचे कुछ लोग ये नारा लगाते हैं लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो इससे इत्तफाक नहीं करते। जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ महाज है, इनके मुतालबात बहुत ही सादा किस्म के हैं। एक ये कि जो बारूदी सुरंग हैं फाटा में, नॉर्थ वजीस्तान में खुसूसन, उन्हें हटाया जाए क्योंकि उससे बहुत भारी जानी नुकसान हो रहा है। दूसरे ये कि उधर जो जगह जगह चेक पोस्ट लगाए गए हैं और जहां उधर के लोगों को बड़ी ख्वारी होती है, उधर से गुजरते हुए उनकी बेइज्जती की जाती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो उस मुल्क के रहने वाले हैं। और तीसरे ये कि जो गायबशुदा लोग हैं जिन्हें एजेंसियों ने गायब किया या फौज ने गायब किया, उन्हें बाजियाब किया जाए। और वो कहते हैं कि ऐसे अफराद की तादाद कोई 4 से 8 हज़ार तक है। अब ये मुतालबात तो मेरा ख्याल है बहुत ही माकूल है, बहुत मुनासिब है, हर पाकिस्तानी इनके साथ होगा। ये जो नारा लगा है ये मेरा ख्याल है फिरोई चीज़ है, क्योंकि हर तहरीक के अंदर तरह तरह के लोग शामिल होते हैं, तो हमें इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। बात असल में ये है कि आखिर जो पख्तून हैं वो ये महसूस करते हैं कि उनके ऊपर बम बरसाए गए, उनको लाखों की तादाद में बेदखल किया गया है, उनके ऊपर नाहक दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया है। अगरचे दहशतगर्द हैं उनमें, मगर वो 5% हैं, 10% हैं, मुझे नहीं पता है, 10% तो बहुत ही ज़्यादा होगा। क्या आपको नहीं लगता कि कोलैटरल डैमेज हमेशा से एक जंग का हिस्सा होता है और कैजुअलिटीज आती हैं आपके सामने शॉर्ट टर्म के ऊपर, लेकिन लॉन्ग टर्म पीस गोल अचीव करने के लिए हम मेरे नज़दीक भी उस इलाके के अंदर अब के हालात को अगर पिछले हालात से कंपेयर किया जाए तो वो काफ़ी डिफरेंस हैं, तो ये कैजुअलिटीज़ तो आती हैं उधर, ये हर एक इरा का पार्ट होती हैं, तो आप इसको जिसको आप कोलैटरल डैमेज कहते हैं, ये आपको याद होगा कि जब ड्रोन हमले होते थे बिल्कुल फाटा पर, वाना पर, तो उस वक्त हमारे दिनों के अंदर कितना गुस्सा था इसलिए कि अमेरिकन ड्रोन भेजते थे, मगर वो कोलैटरल डैमेज तो निस्बतन बहुत कम था। उधर उन्होंने देखा कि कोई ट्रक गुजर रहा है या कोई जानी पहचानी शख्सियत है, कोई तालिबान का लीडर है, उसको निशाना बनाया। बैतुल्ला महसूद इसी तरह से खत्म हुआ, हकीमुल्ला महसूद को भी यूँ ड्रोन हमले में मारा गया, लेकिन उसके साथ 20 या 50-100 दूसरे लोग नहीं मारे जाते थे। अब जब आप लॉन्ग रेंज आर्टिलरी इस्तेमाल करते हैं, जब आप अटैक हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जब आप F-16 तैयारे इस्तेमाल करते हैं, ज़रा सोचे कि वो तैयारा किस तेज़ी से गुजरता है, तो क्या उसके कैमरा में ये बात कभी आ सकती है कि कौन शख्स वहाँ पर बैठा है? लेकिन सर, एक ऐसा सेंटिमेंट, यानी मेरे नज़दीक पाकिस्तान अफवाज एक वो मुहर्रक प्रोवाइड करती है हमारी नेशन को इकट्ठा करने में, एक ऐसी तहरीक जो उसके खिलाफ नारे लगाए या उसके खिलाफ कह रही है कि ये हमारे लोग गायब करते हैं, क्या ये एक नेशनलिस्टिक अप्रोच के अगेंस्ट ही चाह रही है, एक एंटायर आर्मी नैरेटिव? हमें स्पेशली करंट हालात हाजरा को मद्देनजर रखते हुए, जब इंडिया कुलभूषण यादव जैसे इश्यूज खड़े कर रहा है और अफगानिस्तान की इंटरनल सिचुएशन भी नहीं ठीक, क्या इस सिचुएशन के अंदर हमें क्या आर्मी के खिलाफ के एक नैरेटिव की जरूरत है?
देखिए आर्मी के खिलाफ नहीं, लेकिन आर्मी के बाज कामों के खिलाफ आवाज उठ रही है और उठनी चाहिए। ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं कि पाकिस्तान के शहरियों को उठाकर पलक झपकते में गायब कर दिया जाए। हम अफवाज पाकिस्तान के की ये कुर्बानी मानते हैं कि आज दहशतगर्दी में खासी कमी आई है, और मैं समझता हूँ कि ज़रब अज़ब के नतीजे में ये हुआ, लेकिन वो ऑपरेशन इससे मुख्तलिफ अंदाज में होना चाहिए था। और इस ऑपरेशन का भी एक पस मंज़र है जिसे हमें जानने की ज़रूरत है। आखिर जो इस वक्त मुसल्ला ग्रुप हैं वो खुद से नहीं बने, उन्हें बनाया गया था एक ख़ास मकसद के उसूल के लिए। हम जानते हैं कि जब अमेरिका इस खित्ते से निकल गया, जब सोवियत यूनियन टूट गया, और जब हमारी जो मुश्तरका हमारा जो मुश्तरका जिहाद था सोवियत यूनियन के खिलाफ वो जब कामयाब हुआ, तो हमने इन जिहादियों से ये नहीं कहा कि बहुत शुक्रिया बस आप चले जाएँ जहाँ से आप आए हैं। हमने उनको यहाँ पर रखा, हमने सोचा कि इन्हें हम कश्मीर में इस्तेमाल करेंगे, हम इन्हें काबुल फतह करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जो तालिबान बने जिसको सबसे पहले पाकिस्तान ने कबूल किया था, हम जानते हैं कि वो पाकिस्तान के मदारिस में पले बढ़े, उन्हें असलाह फराहम किया गया, तरबियत दी गई। तो ये भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान की रियासत ने इन दहशतगर्दों को जन्म दिया। सर लेकिन फिर हालात हाजरा की अगर बात करें, पिछले ये कल दो एक दिन पहले की बात है कि साबिक आर्मी चीफ भारत के, उन्होंने ये लाइव मीडिया के सामने एक बड़ी पॉपुलर हुई है वीडियो, उन्होंने बयान दिया कि हमें किस तरह पाकिस्तानी रियासत की जो पाकिस्तानी रियासत को खोखला करने के लिए पाकिस्तान आर्मी को हमने स्पेसिफिकली बिजी रखना है इन छोटे छोटे नॉन स्टेक एक्टर्स के अंदर। ये पश्तूनों का जो मसला है, ये बलोचियों का जो मसला है, ये उनके साबिक आर्मी चीफ के बाकायदा तौर पर बयान हैं। क्या हमें इस वक्त यूनिटी की जरूरत है या इस तरह के फैक्शंस में टूटने की जरूरत है? अच्छी बात है कि साबिक चीफ ने ये दिया, जो इस हालिया चीफ है उसने नहीं दिया, मगर ये दोनों बड़े कमअकल लोग लगते हैं मुझे। ऐसी बात ही खुलम खुला करते हैं, अरे करना है तो चुपके से करो, ऐलान करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन चलिए सीरियस बात ये, वो कुलभूषण यादव है, अच्छा उसको भेजा गया यहाँ शरारत करने के लिए, कितनी शरारत कर सका मुझे नहीं पता, क्योंकि उसका कोई हमारे पास मुँह बोलता सबूत तो सामने आया नहीं। अब आप देखें कि पाकिस्तान में जो जो लोग लड़ रहे हैं रियासत के खिलाफ, वो कहते हैं कि यहाँ पर इस्लामी रियासत आनी चाहिए, ये जो हम मगरब परस्त हैं और जो सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे हैं, हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो इंडिया इन लोगों को कहाँ तक खरीद सकता है? कुछ शायद मैं चलिए हो सकता है कि उन्होंने कुछ इनमें से मुल्लाओं को ख़रीदा हो, तो जो बाकी हैं वो तो समझते कि उनका दीनी फ़र्ज है कि वो यहाँ पाक फौज के खिलाफ उठ खड़े हों, उनके बच्चों के गले काटें, कि परेड ग्राउंड मस्जिद में जो उन्होंने किया था कि ऐसे वाक़यात मजीद बरपा करें। रियासत इतनी कमज़ोर है कि वो ऐसे गैर मतलब जो अनासर हैं इस तरह के, वो जो मजहब के नाम पर मोबिलाइजेशन करते हैं। हालांकि ये रियासत के इल्म में बिल्कुल था, ISI का दफ्तर वहाँ से 2 मील दूर था। शामों को जब मैं लाल मस्जिद के सामने से गुजरता था तो देखता था जो वहाँ बड़े बड़े पिकअप वहाँ आए हुए हैं, उनमें से डब्बे उठा कर मदरसे में पहुँचाए जा रहे हैं। अगर ये आज रियासत कबूल करती है तो कल को वो मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं अपने मुतालबात। और जब हुकूमत ने कहा कि इन्हें यहाँ से फारिग करो, तो फौज ने कहा कि नहीं ये हमारा काम नहीं है और हम सिर्फ अमन में यकीन रखें। अब उसका नतीजा तो ये हुआ कि वो और ज़्यादा शेर बन गए, पूरी दुनिया को सुधारा जाए कि कश्मीर में जंग लड़ी जाए, कि अफगानिस्तान को जेर किया जाए ताकि वो पाकिस्तान को ताबे रहे। तो जी बात हो रही थी खादिम हुसैन रिजवी पर कि किस तरीके से सर इन्होंने मैस मोबिलाइजेशन किया क्राउड की, चक्का जाम कर दिया, और किस तरह रियासती ढांचे मजबूर थे उनके सामने घुटने टेक। सर क्या किया जाए, वो एक खादिम हुसैन रिजवी
ऐसा रिटोरिक पेश कर रहे हैं, मीडिया पे गालियों पर भुगतनी है और लोग उससे, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं लोग बकायदा से शेयर करते हैं उन्हें, पता नहीं। और मैंने कमेंट्स पढ़े थे पिछले दिनों एक फेसबुक पेज के ऊपर, सोने के जेवरात उन्हें दान कर रहे हैं और बड़ा फंड इकट्ठा कर रहे हैं वो। इस तरीके सर रियासत झुकी जा रही है, क्या रियासत इतनी कमज़ोर है कि वो ऐसे गैर मतलब जो अनासर हैं इस तरह के, वो जो मजहब के नाम पर मोबिलाइजेशन करते हैं, क्या ये ठीक बात है? रियासत क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए सर? आपको रियासत कमज़ोर नहीं है, रियासत अपने आप को कमज़ोर जाहिर कर रही है। अब मैं 2007 की तरफ चलता हूँ जब लाल मस्जिद के मौलवी उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम इस वक्त इस्लामाबाद में एक शरई निज़ाम कायम करेंगे। उन्होंने आपारा जाकर वहाँ वीडियो कैसेट निकाले, उनको निकाल के जलाया, फिर वो ख़वातीन को अगवा कर रहे थे, उनके ऊपर वो मुकदमे कर रहे थे, फिर उन्होंने एक हुकूमत की बिल्डिंग के ऊपर कब्जा कर लिया और रियासत पीछे बैठकर खामोश रही। हालांकि ये रियासत के इल्म में बिल्कुल था, ISI का दफ्तर वहाँ से 2 मील दूर था। शामों को जब मैं लाल मस्जिद के सामने से गुजरता था तो देखता था कि वहाँ बड़े बड़े पिकअप वहाँ आए हुए हैं, उनमें से डब्बे उठाकर मदरसे में पहुँचाए जा रहे हैं। वहाँ क्या उस वक्त रियासत कुछ कर नहीं सकती थी? बिल्कुल उस वक्त मौका था। फिर हुआ ये कि जुलाई में 6 महीने बाद वहाँ खाना जंगी की सूरत आपको और मुझे दिखाई दी, उधर हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी तोपें चल रही हैं वगैरह। तो इससे पहले कि वो अपने आप को मजबूत कर सकते हुकूमत को चाहिए था, रियासत को चाहिए था कि वो उसे उसी वक्त कंट्रोल कर ले। सर ये तो अब पास्ट, ये माजी की बात है, अब यही बात हाल के ऊपर सादिक आती है। अब जिस वक्त फैज़ाबाद में खादिम हुसैन रिजवी के लोग जमा थे, तो हालांकि मैं समझता हूँ कि डंडा किसी पे नहीं चलाना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने पूरे शहर को मुअत्तल कर दिया तो फिर रियासत का यह हक बनता है, बल्कि उस पर यह वाजिब है कि वो फिर उन्हें वहाँ से हटाए, जो कि नहीं हुआ। और जब हुकूमत ने कहा कि इन्हें यहाँ से फारिग करो, तो फौज ने कहा कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है और हम सिर्फ अमन में यकीन रखते हैं। अब उसका नतीजा फिर ये हुआ कि वो और ज़्यादा शेर बन गए। तो जहाँ रियासत पीछे हटती है और अपनी कमज़ोरी का इजहार करती है, वहाँ पर उनकी ताकत में मज़ीद इजाफा होता। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कानून तोड़ता है और जो शहर की ज़िंदगी को मुअत्तल कर देता है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। सर अब देखने में आया है कि ये जो अनासर हैं, मतलब इनकी पार्टी की बात कर लें, तहरीक लबैक की और मंजूर पश्तीन की अगर साइमल्टेनियसली बात कर लें, तो इनके मुतालबात फिर बढ़ते ही बढ़ते जाते हैं। पहले उनका मुतालबा कुछ और था तहरीक लबैक वालों का, पिछले दिनों जो उन्होंने धरना दिया उसमें मजीद एक्सटेंशन आई है उनके मुतालबात की, जो रियासत को फिर मांग। क्या अगर आज मंजूर पश्तीन के मुतालबात आप मान लेते हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि चेक पोस्टें ख़त्म होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए, जो कि आर्मी ने उनकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए लगाई है, क्या आपको नहीं लगता कल को वो, अगर ये आज रियासत कबूल करती है तो कल को वो मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं अपने मुतालबात और बहुत सारे ऐसे मुतालबात भी राइज कर सकते हैं जो पाकिस्तानी स्टेट के बिल्कुल हक में ना हो? लेकिन देखिए, उस वक्त जो मुतालबात थे तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह के, वो क्या थे? ये कि जो वजीर है, वजीर कानून है, उसे बरतरफ किया जाए। वो हट गया वहां से। अव्वल ये कि हुकूमत ने तो अपनी गलती भी मान ली थी कि हमने ये तरमीम की है और ये खुदा जाने कैसे हुआ, कोई किसी क्लर्क ने कोई गलती कर ली ये लिखने में। वो सब कुछ तय हो गया था, कोई एहतजाज का जवाज भी नहीं बनता था, फिर भी उनको हजार हजार रुपए के वो कूपन दिए गए या नोट दिए गए, जिससे उनमें एक नई जान आ गई। अब चलिए मंजूर पश्तीन की तरफ चलते हैं। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, इनके 3-4 मुतालबात हैं जो मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हमें पाकिस्तान से हटकर कोई दूसरा सूबा बनाना है, वो ये नहीं कह रहे कि फ़ौज हमारी दुश्मन है, वो नहीं कह रहे कि हम इधर कोई
कोई नया निज़ाम लाने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि ये मामूली चीज़ें हैं जो एक शहरी का हक बनता है, वो हक के हुसूल के लिए हम अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। अब आपकी जो बात कि कल कला को अगर वोट खड़े हुए उन्होंने कहा कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो जब वो वक्त आएगा तो इनसे फिर निपटा जाएगा। और अगर वो गलत कह रहे हैं, गलत बात करते हैं, तो फिर ठीक है, आप उनको इत्तेजाज ना करने दें। सर, एक बहुत ही क्वेश्चन जो सोशल मीडिया पर बड़ा उठाया गया है कि जब उधर के हालात ख़राब थे उस एरिया के और आर्मी ये ऑपरेशंस करके उस हालात को बेहतर कर रही थी, तब ये मंजूर पश्तीन नहीं आया और तब ये जो पूरा सोशलिस्ट ग्रुप है जो आज उसको सपोर्ट करता है लाहौर लेफ्ट फ्रंट का भी, तब ये लोग कहाँ थे जब आपके मुल्क के फसादात थे और इतनी ज़्यादा मुल्क आपका घिरा हुआ था, धमाके होते थे और इंटरनल सिचुएशन बिल्कुल ख़राब थी। ज़रबे अज़ब से पहले कि आप इश्यूज़ को एनालाइज करें, उस इरा को एनालाइज करें, तब ये सारे लोग कहाँ थे जो आज मसावी हकूक के डिमांड कर रहे हैं? इन्हें अब जब पूरा एक स्टेबिलिटी आ गई, पीस एंड स्टेबिलिटी आपके आर्मी के ऑपरेशन के बाद, अब इन लोगों का सामने आना क्या ये एक अंधिया नहीं है कि मतलब अभी ये क्यों उठ रहे हैं ये लोग? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपका, लेकिन ये देखें कि ये मंजूर पश्तीन जैसे लोग, मैं उसको बस एक दफ़ा मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा, ये उस ऑपरेशन के नतीजे में बने, उस ऑपरेशन के नतीजे में ये तहरीक बनी, इसलिए कि वो एक इस वक्त भी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ उनको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि बारूदी सुरंग उधर हैं, कि चेक पोस्ट से गुजरना है, कि कई हज़ार लोग उठा के गायब कर दिए गए। तो ये पहले क्यों नहीं थे? इसलिए कि पहले एक ऐसी खौफ की फिज़ा थी इस मुल्क के अंदर कि कोई मुंह ही नहीं खोल सकता था। जहाँ तक लेफ्ट का ताल्लुक़ है, आप देखें कि तालिबान ने उनको ख़ास तौर पर अपने जुल्म का निशाना बनाया था। जो एएनपी के लीडरान आम कारकुन थे, वो किस तादाद में मारे गए थे। तो 2013 के इलेक्शन की तरफ चले, उस वक्त तो उन्होंने ख़ास तौर पे कहा था कि हम पीपल्स पार्टी को, हम एएनपी को, हम मासिवाय तीन पार्टियों के, उनको इस मैदान में आने ही नहीं देंगे। और कितने खुदकुश हमले थे उस वक्त, तो उस वक्त तो सबका मुँह ही बंद कर दिया था उन्होंने। जी बिल्कुल सर। सर, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपसे बात करना चाहूँगा मैं कि आप जो हमारा सिस्टम है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, इसको बहुत अशद ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो बुनियादी हकूक का जो सिस्टम हो, तो सर हर किसी को मतलब बुनियादी हक जो है, राइट टू वोट जैसे हक भी नहीं आप देख रहे बलोचिस्तान में औरतों को दिए जाते, तो ये इतने ज़्यादा मसाइल जब आपके सामने हैं, तो आप वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे इस कंट्री में आप लेकर आ सकते हैं, किस तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है ताकि हम ये बुनियादी हकूक जो है, जो तालीम का हक है वो उधर की बच्चियों को दिया जा सके, बलोचिस्तान की बच्चों को, औरतों को वोट का हक दिया जा सके, ये हम किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं अपनी रियासत के अंदर? खराबियाँ तरह तरह की हैं, अलग अलग नौयत की हैं, लिहाजा एक जवाब इतने इस सवाल का मैं नहीं दे सकता। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये कि पाकिस्तान को अब एक दुनिया का नॉर्मल मुल्क बनना चाहिए। नॉर्मल मुल्क वो है जहाँ लोगों की बहबूद, उनकी बेहतरी को देखा जाता है। ये नहीं कि पूरी दुनिया को सुधारा जाए, कि कश्मीर में जंग लड़ी जाए, कि अफ़गानिस्तान को जेर किया जाए ताकि वो पाकिस्तान के ताबे रहे। हमें चाहिए कि हम सिर्फ अपने अवाम की फलाह के लिए उस सिम्त काम करें। तो इसके लिए बहुत सी चीज़ें करनी होंगी। एक तो ये कि जो जिहादी क़ुव्वतें इस वक्त भी हमारे मुल्क के अंदर भरी पड़ रही हैं और जिसकी वजह से सारी दुनिया हमारे ऊपर उंगली उठाई हुई है, उनको फारिग करना। अब आप ये देख लीजिए कि हमने अपने तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़े हुए हैं। इंडिया के साथ तो हमेशा से था, लेकिन ईरान, अफगानिस्तान, ये मुसलमान मुल्क हैं, इनके साथ तो हमारी बहुत करीबी दोस्ती होनी चाहिए, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं? चीन भी ये कहता है कि यहाँ जो जिहादी हैं वो सिनकियांग के लिए बड़े ख़तरनाक हैं। तो सबसे पहले ये कि हमें अमन की ज़रूरत है,